और पहले मेरा और पापा जी का प्लान था, फिर पापा जी का प्लान इसलिए कैंसिल हुआ। 15 साल से जॉब कर रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर आपको। बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हो आप भी, भले पटाखे फोड़ने वाले हो। है चलो शुभकामनाएं आपको। है सबसे पहले ये कमेंट है कि आप जॉब पे जाते हो कि नहीं जाते हो? जॉब पर जाती हूँ पर लेकिन भी मैं उल्टू दवाई हूँ। पता नहीं कहाँ से इनको गोरी लगती हूँ, मेरे को तो मैं काली लगती हूँ। अरे पूजा वगैरह हुई ना दोस्तों, अभी तक उसका हिसाब क्लियर नहीं हुआ है। तो और आप एक और सवाल है कि भले कितने कमाते हो? बल कमाते हैं आप बस ऐसे ही। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई दोस्तों इस खूबसूरत व्यू के साथ और साथ ही में इस ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। तो अभी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से, जहाँ से मैं आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। कल दोस्तों ठीक देखुंडे गए थे मैच में, वहाँ ना दोस्तों इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद जब स्कूटी में आए ना तो इतनी खतरनाक हवा लगी, मतलब इतनी खतरनाक ठंड लगी कि उसके बाद ना रात को बिल्कुल तबीयत ही खराब हो गई। अब जो नाक वगैरह थे ना वो बिल्कुल बंद हो गए थे, मतलब जुकाम वगैरह हो गई थी। तो इसी के कारण अभी देखो हुडी वगैरह पहन रखी है क्योंकि ना रात को तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। फिलहाल अभी तो एकदम फाइन हूँ, एकदम ओके हूँ। हाँ जी अरब सिंह, गोर में जा रहे हो क्या? है गोर में जा रहे हो? गोर में अच्छा। ठीक शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, अभी ठीक 4 बज रहे हैं और मौसम जो है ना देखो क्या मस्त तरीके से खुल गया है। धूप आ गई है बड़ी तगड़ी सी, यानी प्यारी सी धूप भी खिल गई है। और जैसे ही मौसम खुला तो वैसे ही ना सारी लकड़ियां रख दी है बाहर सुखाने वगैरह के लिए, तो ये थोड़ी सी गीली हो गई थी बारिश में। और आयुष भाई से मिले दोस्तों जो छत में अभी मड़गड़ा मड़गड़ कर रहे हैं एक लींबू के साथ, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। सॉरी है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो ना भाई? नींबू आसन अच्छा नींबू आसन दोस्तों, ये नींबू आसन कर रहे थे। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? इससे शरीर में खट्टा बनाता है नींबू की तरह अच्छा, और शरीर खिलखिला उठता है और कुछ नहीं, दो ही फायदे है इसके। अच्छा एक बार हमें भी करके दिखाओ जरा ये नींबू आसन कैसी एक्सरसाइज थी, जरा हमें भी दिखाओ। एक बार होती है दिन में। तो हम कैसे सीखेंगे फिर? तो कल आना कल अच्छा नेक्स्ट डे। अच्छा ठीक है, नींबू आसन दोस्तों आप कल सीखना पड़ेगा, आज तो नहीं सिखाएगा। एक बार देखा मैंने पर दोबारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो नींबू आसन आप कल सीखेंगे। तो ये नींबू के साथ ही करना पड़ता है क्या? नींबू हाथ में पकड़ के क्यों? इससे क्या होता है, मतलब नींबू हाथ में पकड़ के क्यों करना है? परंपरा है अच्छा। और कंप्लीट होने के बाद फिर नींबू को क्या करना है? 8 नींबू पानी बना के पी जाना है। अच्छा रोज 1 नींबू? और अगर जिसके पास नींबू ना हो तो भाई मसी को नहीं है तो मसी को। हमारे घर की दोस्तों काम वाली भाई से मिली है। काम वाली भाई क्या हाल चाल है आपके? दुर्गी स्टूडेंट भगुण की कही दुर्गी ने भाई दोस्तों वो वाली लकड़ी इस तरीके से पकड़ रखी है जैसे कि ना पता नहीं कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है दुर्गी जरा बता अच्छा बोल दू गुंडा। अच्छा दुर्गी जा रही है बोल बैल लेने के लिए। और आप दोनों कहाँ जा रहे हो? हेलो छत भगुण क्या अरे यार कितने शर्मिले इंसान हो तुम लोग, इंत नए नए भी हो नहीं शर्मा, तुम शर्माना चाहो है। और हमारी माता जी से मिले भाई दोस्तों जो कि लगी हुई है अभी तुलपाई वगैरह के काम पे। माता जी क्या हाल है? ठीक है। जो पुजाई वगैरह हुई ना दोस्तों अभी तक उसका हिसाब क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी भी उसी के पीछे पड़ रखे हैं मेरे पापा जी हैं। मेरे पापा है? और अब यहाँ देखो भाई दोस्तों बहन चारा ऑन टॉप बल, यहाँ देखो जंगल जा रहे हैं घूमने बाल बाल घूम के, है ना? हाँ हम घास के लिए जाते हैं हाँ। तो अपना टावर खड़ा करके जाते हैं घास के लिए, जाए वो घूमने जा रहे हैं वो फूटे फूटे रोड में। अब ये जाएंगे ऊपर दोस्तों यहाँ से बैल वगैरह गाय वगैरह ढूंढने के लिए। बाघ दिए डालते बाघ सुंदर लड़कियां हैं बाघ वजह से खाना ना हमका सुंदर बोल के छोड़ यार ये तो अलग जगह ये खाने काला काला लग रहा है अपने आप को गोरी समझती है। तो करती नहीं है
भीतर फोड़ फोड़ के गोरी है वो। हमारे जैसे मोल काटेगी, घास काटेगी, लकड़ी लाएगी, धूप लगेगी तो काली होगी। गोरी गाँव काली, हमारे हमारे परिवार में काली है ये। अगर ये सबसे काली हूँ गाइस, सबसे काली है हमारे परिवार सदस्यों से। अगर ये काम करेगी ना तो इसने तो उल्टा तवा बन जाना है। अभी भी मैं उल्टू तवा ही हूँ, पता नहीं कहाँ से इनको गोरी लगती, मेरे को तो मैं काली लगती हूँ। देखो हरकत, हरकत देखो, बच्चों वाली हरकत, पैदा हुई बनी हुई हरकत का नहीं। अरे क्या बोले, दिन भारी लाल 17 साल 18 साल लगनी था अक्टूबर बट। माँ का गुस्सा फूटता हुआ शीतल के लिए। चलो भाई दोस्तों, अभी हम भी निकल गए हैं सीधा भरोली खाल की तरफ, यानी सेतू खाल की तरफ। तो पंडित जी आ रहे हैं तो वही काम है, तो उनको पैसे वगैरह भी देने हैं, तो जो पूजा वगैरह भी थी ना, तो उसका हिसाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो टाइम नहीं मिल रहा था, अब जाके मिला है। तो पंडित जी बुला रखे हैं, तो वो भी आ रहे हैं और हम भी निकल गए यहाँ से। और पहले मेरा और पापा जी का प्लान था, फिर पापा जी का प्लान इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि ना दोस्तों कल रात को ना इधर भी बाघ था, और सुबह ठीक यहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी, मतलब बाघ घुरियाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो घुरिया रहा था। तो इसी के चक्कर में ना पापा ने कहा कि बैल वगैरह नहीं आए, तो पापा जी अभी गाय वगैरह लेने जाएंगे, यानी बैल वगैरह लेने जाएंगे। बलतू सेतू खाल चले जा, मैं गाय वगैरह लेके आ जाता हूँ। मतलब वही था, या तो वहाँ जाना पड़ता या तो सेतू खाल जाना पड़ता, तो मैंने कहा मैं सेतू खाल चले जाता हूँ। मेरे साथ अरुण भी है, और अभी हमारा विवेक भाई भी आ रहा है, और हमारे फौजीदा भी आ रहे हैं शायद से, क्या पता आएंगे। अरे आ रहे हैं, बोल तो अरुण बोल रहा आ रहे हैं, चलो देखते हैं। तो चलो भाई दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं ठीक सेतू खाल मार्केट में, धूप खिली हुई है बड़ी प्यारी सी। तो अभी जो धूप है ना दोस्तों वो लास्ट है, और यहाँ से ना जैसी धूप जाती है सीधा अंधेरा पड़ता है, तो इसीलिए ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना अभी मतलब ठीक ठाक टाइम हो। तो चलो पंडित जी को ढूंढते हैं, फिर पंडित जी को मिलते हैं जल्दी से, फिर निकलते हैं यहाँ से। पंडित जी नमस्कार। बड़े बड़े आप ठीक ठाक? सब बढ़िया ना? और सब बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, सब अमेजिंग। आप बताओ। बापू जी हमारे हिसाब से ठीक क्या था, उन्होंने जो है कि मौके पे छके पे मौके पे छक्का मार दिया, मौके पे चौका, नाराज नहीं है मतलब? अरे नहीं, हम ठीक हम ठीक बिल्कुल, जैसे पर्सन पर्सन हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक था भाई, मिलते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, पंडित जी मिल गए हैं, सारे काम निपट गए हैं बढ़िया से। तो अभी ठीक कैलाड गांव में है, यहाँ अपने भाई मिल गया। आनंद भाई क्या हाल है? बस बढ़िया। बढ़िया है। हिमांशु भाई क्या हाल है? बढ़िया। बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हो, अभी बोले पटाखे फोड़ने वाले हो। चलो शुभकामनाएं आपको, है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी रिवील नहीं करेंगे, बाद में करेंगे ढंग से, है ना। चलो शर्मा क्यों रहा यार, शर्मा ने। ठीक अंधेरा हो गया है दोस्तों, और कल बाजी की भी जाने की तैयारी है, तो लेते हैं बाजी से विदा। चलो तब बाजी हैं, मिलते हैं आपको तब बहुत जल्दी, अक्टूबर के टाइम पे, मैच के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलो मिल लेते हैं, क्योंकि सुबह तो मिलना नहीं होगा, क्योंकि भाई जी बोल रहे हैं हम 5 बजे चले जाएंगे, तो 5 बजे तो कौन ही उठेगा, तो इसीलिए अभी मिलना हो जाएगा, तो सुबह तो नहीं हो पाएगा। तो चलो तब भाई जी हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। घर पहुँचते ही भाई दोस्तों, यहाँ देखो क्या बचपना चल रहा है, पापा जी भी लट्टू घुमा रहे हैं, शीतल तो तब है ही। शीतल तो बचपन ही है। हाँ शीतल तो बचपन ही है। आप नहीं घुमा रहे हो क्या वहाँ? पापा जी बोल रहे हैं, बोल हम उस्ताद थे बोल कभी इस चीजों में। अरे घुमा दिया भाई। ऊपर की तरफ बड़े भाई दोस्तों, तो यहाँ हमारे छोटे भाई से मिलिए, जो कि ना अभी अपने छुट्टियों का काम निपटा रहे हैं। छुट्टियों का काम अब जाके निपटाया जा रहा है, जब स्कूल खुलने के ना 5-6 दिन हो चुके हैं, और अब स्कूल के छुट्टियों का काम निपटाया जा रहा है, जो कि आर्ट का। थोड़ा कलाकारी दिखा दो अपनी, आज मैं आंसू की कलाकारी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, है ये देखो। सबसे पहले तो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है, मतलब बहुत ही बड़ा शौकीन, और रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन है, मतलब एक आर्ट तो होना ही चाहिए बैट्समैन का। तो ये कौन है बैट्समैन, कौन है? कोई भी, कोई भी। अच्छा कोई भी है, चलो ठीक है। अब दूसरा आर्ट देते हैं, दूसरा आर्ट आधा छोड़ के छोड़ दिया गया है। तीसरी जो आर्ट है वो है हल ले जाता हुआ किसान है, अब नहीं दिखे। और अब जो चौथा दिखाता हूँ, अब जो मेन है, जो कल दिखाना है इसने, ये देखो। पता नहीं क्या क्या है ये,
पानी ले जाते माला। और फिर उसके बाद एक प्राकृतिक दृश्य बना रखा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है वैसे। और फिर तो नहीं है ना, इतनी है ना बस, इतनी अब है। और अब बनाना है बोले तो ये भी आधा हो रखा है, तो छुट्टियों का काम अब जाके निपटाया जा रहा है। और यहाँ से देख के बना रहा है, देखो ये देखो। चलो कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इस तरफ को आप बढ़ोगे ना तो यहाँ हमारी माता जी बैठी हुई है। और आप सबके कमेंट आते हैं कि बोले आपकी माँ क्या जॉब करती है और बोले जॉब पे जाती है कि नहीं जाती है, तो इसका जवाब आपको माँ ही देगी। और अपना ही काम निपटा रहे हैं अपने कागज पत्रों का, तो माता जी इसका जवाब जरा आप ही दे दो। सबसे पहले ये कमेंट है कि आप जॉब पे जाते हो कि नहीं जाते हो? जॉब पर जाती हूँ पर लेकिन तो मैंने कब तक दिखाते रहूंगा राहुल को कि मैं चला गया, मैं चली गई कब तक दिखाऊंगी मैं? तो मैं चली जाती हूँ और जैसे ही अपने क्षेत्र जो मेरे पास है ग्राम सभा के हिसाब से उस काम पर जाती हूँ मैं। विजिट है हमारा, जैसे गर्भवती का घर में जाना, उन्हें स्वास्थ्य सेवा देना और बच्चों का टीकाकरण के बारे में बताना, आयरन कैल्शियम देना, ये काम है हमारा। और फिर ये परपत्र हैं भरने के लिए आते हैं हमारे, तो ये भरने पड़ते हैं। और ये जो MPR है ये देनी पड़ती है। अच्छा, हर महीना ये वाली MPR पर महीना मतलब MPR भर के देनी पड़ती है। और दूसरा सवाल ये है कि बोले क्या जॉब करते हो? हमें स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता, भारत सरकार ने निकाल रखा था NHM NRHM का जो लक्ष्य है वो है माता मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए हम आशाओं को लगाया था। कब मेरे को हो गए हैं 15 साल से जॉब कर रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर आपको, 15 साल हो गए हैं। और ये जब ये हुआ आयुष तभी तो इसका नाम आशु रखा। अच्छा, आशा से आशु, आशा से आशु रखा। अच्छा, उसका नाम तभी तो आयुष रखा उसका नाम। और घर पे आशु है? घर पे आशु मैं और... आशा बन गई और तब से मैं आशा बनी जब मेरा आशु हुआ था। अच्छा, और अब एक और सवाल है कि बोले कितने कमाते हो? कमाते हैं अब बस ऐसे ही, जनता हो तो कमा जाते हैं, नहीं जनता नहीं है तो कुछ नहीं है, पर बस मिनिमम हो जाता है। एक फिक्स सैलरी है या मतलब ऐसी है, मतलब सैलरी वगैरह है या नहीं है? सैलरी तो जो सरकार देती है वो तो उस हिसाब से कभी 25 भी बन जा सकते हैं, कभी 3 बन सकते हैं, कभी 2 ही बन सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ कर दिया देखो अब हमने, कर दिया माता मृत्यु कम कर दी, शिशु मृत्यु कम कर दिया, पोलियो से मुक्त हो गया अब आ गया फिर एनीमिया, उसको भी मुक्त करना है भारत को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि खून की कमी जो होती है हमारे बच्चों में, किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में, वो भी हमारे पास। काम तो हमारे लिए दुनिया भर का है लेकिन कहाँ बोलती नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो तो कुर्सी में बैठ के मतलब, और जो छोटे लोग हैं जिनके पास काम है ना उनके लिए पैसा नहीं है। जो डाटा होता है ना गांव का, हाँ, हर घर का, जैसे कि मेरे घर में कितने सदस्य हैं, ये हम देते हैं बाहर, हाँ, विभाग को हम देते हैं, हमसे कितने भी बड़े हैं, सुपरवाइजर है, ANM है, डॉक्टर साहब जी हैं, जितने भी विभाग के अंदर आदमी है ना बड़े, जो हमारे पोस्ट पर बड़े हैं ना, हाँ, हम देते हैं इनको। उनका डाटा हमें पता रहता है किसके घर में कौन सी बीमारी है, किसके घर में कितने बच्चे हैं, कितने मृत्यु हो रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, सब कुछ है। बिल्कुल, लेकिन हमारा पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार हमारे साथ न्याय कर रहा है, अन्याय कर रहा है। मतलब ये है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी आशा कार्यकर्ता क्या है, ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है तो एक तरह से सरकारी हो गया, बट इनको ना उस हिसाब से मतलब सैलरी नहीं मिलती है, मतलब एक पक्के नहीं है ये। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा मतलब गलत है, क्योंकि पता क्या है कि मेन चीज तो दोस्तों सारा काम जो है ना ये लोग करते हैं, क्योंकि अगर यही डाटा नहीं देंगे ना तो जो इनके ऊपर बैठ रखे ना डॉक्टर ANM वगैरह जो भी है मतलब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब चीजें तो ये देते हैं और इनके पास तो दोस्तों सिर्फ कागज जाते हैं और वो कागज इधर उधर भेजते हैं, सारा डाटा ये लेके आते हैं, बट फिर भी ना इनको पैसे नहीं मिलते। और ANM की सैलरी पूछना और उनकी सैलरी पूछना ना कितनी है, मतलब फिर भी इनके साथ न्याय नहीं है, जितनी भी आशा है ना उनके साथ मतलब बेकार ही है, मतलब ये मान के चलो। तो इनको मतलब भारत पूरे हैं, पूरे
मतलब इनको मतलब परेशान है जिस हिसाब से ना मतलब इनको दिया जाना चाहिए उस हिसाब से इनको कुछ नहीं मिलता है, तो इनके लिए मतलब क्या बोले मतलब ये बहुत गलत है। मतलब इनके लिए एक फिक्स सैलरी होनी चाहिए। हाँ तो इनका ये है कि मतलब अगर तुम्हारे यहाँ होंगे तो बढ़ेगी, नहीं होंगे तो ये है, तो कुछ ऐसे तो कुछ ऐसा है। बाकी जो है जैसा है ठीक है, चलो क्या बोल सकते हैं ना। कि आप सभी के सवाल थे तो ये है आप सभी के सवालों के जवाब। तो चलो हैं, देखो ये चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको बता दूंगी तो, लेकिन आपने इसमें काला अक्षर भैंस के बराबर जानना है लेकिन हमें पता होगा। सही बात है, ये क्या है। हाँ जिस चीज में जो घुस रखा है उसको उसी का पता होता है। अब हमें क्या पता है, ये मैं तो तीन कलर देख रहा हूँ और तीन कलर के बाद डब्बे देख रहा हूँ। सामान्य है, लाल रंग का, बिल्कुल बिल्कुल वही होता है जिसको जो जिस फील्ड में उसको उस फील्ड की नॉलेज अभी लगी रहती है दोस्तों ऐसे ही काम करने पे। मतलब लेखा जोखा बहुत ज्यादा होता है, जोखा है, सिलाई है, बहुत सारे काम मेरे लगी रहती है मेरी माँ, क्या कर सकते हैं। देखो पैसा वैसा तो कुछ भी नहीं मिलता इनको, मतलब जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। 1000-2000 रुपए मिलते हैं वो भी कुछ फायदे के नहीं, 1000-2000 रुपए मिलते हैं को भी क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पर ये है कि हमारा टाइम पर हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं, क्या पता आगे कुछ हो, कुछ हो। सही बात है, बट होना चाहिए, बट होना चाहिए। अब इस तरफ को मुड़ेंगे तो यहाँ देखो जो प्राकृतिक दृश्य है ना उसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। ये देखो, वाह यार बहुत बढ़िया। अब ठीक खाने का टाइम हो गया है दोस्तों, और भी खाने के लिए आ गया हूँ, और मेरे पापा जी का ना डेली भाई दोस्तों डेली खाते टाइम उड़ते टाइम ये न्यूज़ बस एक गोदी मीडिया क्या है इस मीडिया में। क्या कहना चाहोगे माता जी? मैंने पता नहीं कितने 7-8 चीजें बोल दी, बातें बोल दी, कुछ पापा के दिमाग में अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, जवाब दिया नहीं, कुछ सुनाई नहीं। मतलब ये पता नहीं, ये जो दोस्तों मीडिया वाले होते हैं ना ये लड़ते रहते हैं यार, क्या मजा आता है आपको देखने में, जरा बताओ क्या मजा आता है? मजा आता है अरे वाह मजा आता है। बोल कोई जवाब नहीं दे, कोई ध्यान नहीं है, इग्नोर ना, ध्यान दो अच्छा है मीडिया पर।